नमस्कार, आपको बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशिफल की। 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है? सभी लोग जानना चाहते हैं कि नया साल 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है, मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसा रहेगा, मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, नई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, साल 2023 कैसा रहेगा, इसको लेकर कई प्रकार के विचार हमारे मन में घेरे रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वर्ष 2023 में अगर आपके करियर की बात करें तो करियर राशिफल के अनुसार इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को अपने करियर में बहुत सावधानी दिखानी होगी, क्योंकि इस वर्ष कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसे आपके पहले आपने कल्पना नहीं की होगी। जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपके सहकर्मी आपको परेशान करने में आनंद महसूस करेंगे और आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पीछे आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कान आपके खिलाफ भरे जाएं। इससे आपके नौकरियों में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी, आप अपने काम में मजबूती से जमे रहेंगे और यही बात आपके विरोधी को नागवार गुजरेगी। मार्च से अप्रैल के बीच आप नौकरी बदलने की कोशिश कर सकते हैं। यदि पहले से ही कोई कोशिश की है तो इस दौरान आप नौकरी बदल पाएंगे। मई से अगस्त के बीच आपके विरोधी प्रबल रहेंगे और इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक असहज समय का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सितंबर से स्थितियां धीरे धीरे बदलनी शुरू होंगी और नवंबर दिसंबर के महीने आप अपने करियर को उत्तम सफलता प्रदान करने में कामयाब रहेंगे। अगर कुंभ राशि के शिक्षा की बात करें जाए तो 2023 विद्यार्थियों के लिए शुरुआत में खुशखबरी लेकर आएगा। सूर्य और बुध का संयुक्त प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा, जिसकी वजह से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में फोकस करके अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे और पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। उनकी कोशिश कामयाब होगी और उन्हें शिक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। इस वर्ष पहली तिमाही बहुत बढ़िया रहेगी और उसमें आपको समस्याओं में कमी महसूस होगी। हालांकि मई से लेकर सितंबर के बीच पढ़ाई में अनेक तरीके के व्यवधान आएंगे, इसलिए इस दौरान बहुत ही आपको सावधानी रखनी होगी। मानसिक तनाव का स्थिति भी बनेगी और घर का माहौल भी आपकी शिक्षा को प्रभावित करेगा, लेकिन यदि आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करेंगे तो वर्ष के अंतिम महीने आपको अच्छी सफलता प्रदान होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मई के से जुलाई के बीच और नवंबर के महीने में उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप शोध कार्यों में हैं तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अन्यथा उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो समस्याएं बनी रहेंगी। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे विद्यार्थियों की ये इच्छा इस वर्ष के शुरुआती महीने में पूरी हो सकती है। उसके बाद लंबा इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सितंबर से नवंबर के महीने में जाकर आपको सफलताएं मिलेगी। अगर कुंभ राशि के 2023 के ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो आपको शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन काले चने का प्रसाद बनाकर गरीबों में बांटना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन शमी वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है तो शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का आपको पाठ करना चाहिए। गरीब और कुष्ठ रोगियों को मुफ्त दवाई बांटें
और उनकी सेवा करें। किसी विशेष समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। सुंदर कांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपके उपयोगी लगे, अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब